नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कोरोना कोविड 19 हेल्थ बुलेटिन को लेकर हम आपके बीच में फिर हाजिर हैं। कोरोना कोविड 19 पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैला हुआ है। असमय अनगिनत लोग काल के काल में पहुंच चुके हैं और लगातार यह सिलसिला जारी है। भारत का प्रयास कोरोना कोविड 19 को पराजित करने के लिए और कोरोना योद्धा 24 घंटे लगातार मेहनत कर रहे हैं इस आत्मविश्वास के साथ कि कोरोना कोविड 19 को हम पराजित करेंगे। भारत में लॉकडाउन पार्ट 3 चल रहा है और इस समय पल पल की जानकारी देने के लिए लगातार हेल्थ बुलेटिन जारी होते रहते हैं। फिलहाल करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह की। दमोह का हेल्थ बुलेटिन लेकर हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह के कार्यालय से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अभी तक 209 सैंपल भेजे गए थे। 5 मई 2020 तक 209 सैंपल जो भेजे गए थे उनमें से 160 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और 159 नेगेटिव आए हैं, एक सैंपल रिजेक्ट हुआ है। इसी क्रम में टेली मेडिसिन के माध्यम से 1225 लोगों को आज 5 मई 2020 को सलाह दी गई, जो कि चिकित्सकों ने लोगों को सलाह दी स्वस्थ रहने के लिए। और साथ में जो जिला चिकित्सालय है तथा अन्य शासकीय चिकित्सालय हैं उनमें ओपीडी की संख्या जो थी वो 84 थी। 84 जो थे वह सर्दी खांसी जुकाम बुखार के मरीज थे और इनका स्वास्थ्य का परीक्षण हुआ और इनको दवाएं दी गई, सलाह दी गई स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या उपाय उनको करना है। इसी क्रम में हमारे दमोह जिले में 35,644 व्यक्ति बाहर से आए हैं और इनका स्वास्थ्य का परीक्षण हुआ है। 6,633 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन किया गया है और 28 दिन होम क्वारंटाइन में रहने के बाद 23,862 लोग स्वस्थ हुए हैं। यह था दमोह का हेल्थ बुलेटिन। दोस्तों, हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि कोरोना कोविड 19 को पराजित करने के लिए भारत सरकार ने जो प्रयास किए हैं और जो उनने नियम बनाए हैं उन नियमों का हमें पालन करना है। कोरोना कोविड 19 को पराजित करने में अपना योगदान देना है। सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, बार बार हाथ धोना है, मास्क लगाना है और बेवजह सड़कों पर नहीं निकलना है। हम अगर ये सब करेंगे तो एक कोरोना योद्धा की तरह हम भी कोरोना को पराजित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे और इस संकल्प के साथ कि जीतेंगे हम, जीतेगा भारत और हारेगा कोरोना कोविड 19। फिर मिलेंगे कल एक नए हेल्थ बुलेटिन के साथ। तो देखते रहिए LNB टीवी। बेहतरीन समाचारों के लिए देखते रहिए LNB टीवी। जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।